जन जागरण अभियान के तहत निकले हिंदू संगठन की रैली पर गौतमपुरा के चांदनखेड़ी गांव में वर्ग विशेष के युवकों ने पथराव कर दिया। घटना में 10 हिंदूवादी कार्यकर्ता घायल हो गए, जिसके बाद आक्रोशित हिंदू संगठन के लोगों ने धरना देने के साथ ही जमकर हंगामा किया। इस दौरान देर शाम वर्ग विशेष के युवक व हिंदू संगठन के कार्यकर्ता दोबारा आमने सामने हो गए, तो भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े व हल्का बल प्रयोग भी किया। हालात को देखते हुए गौतमपुरा थाना क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं पुलिस देर रात तक इलाके में सर्चिंग करती रही। दरअसल मंगलवार को सुबह धर्माठ से हिंदू संगठन ने वाहन रैली की शुरुआत की। रैली में युवा भगवा झंडे के साथ ही जय श्री राम के नारे लगाते हुए चल रहे थे। रैली जैसे ही वर्ग विशेष बहुल गांव चांदनखेड़ी पहुंची तो वहां के मुख्य चौराहे से गुजरते ही रैली पर पीछे से वर्ग विशेष के 25 युवकों के समूह ने पथराव कर दिया। पथराव से रैली में शामिल करीब 10 लोग घायल हो गए। घायलों को तुरंत ही गौतमपुरा शासकीय अस्पताल रेफर किया गया। वहीं पूरे मामले में पुलिस ने 39 नामजद लोगों पर प्रकरण दर्ज कर 27 लोगों को गिरफ्तार किया है। तात्कालिक उत्तेजना और विवाद के कारण पथराव की जो दुर्भाग्यजनक घटना हुई और उसके कारण कानून व्यवस्था की जो गंभीर स्थिति पैदा हुई, उसमें पुलिस ने अभी तक 4 प्रकरण कायम किए हैं। पथराव करने वाले 39 अपराधियों के विरुद्ध नामजद कायमी की गई है, जिसमें पुलिस ने 23 आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार किया। उसी घटनाक्रम में एक दो युवक एक छोटी ईदगाह की दीवार पर चढ़कर एक मीनार को क्षतिग्रस्त करने का प्रयास करते हैं, जिसे तत्काल पुलिस के द्वारा नीचे खींचकर उतारा जाता है। उसमें 153 का के तहते अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध एक कायमी की गई है, उनकी पहचान स्थापित की जा रही है। शाम को नाले के उस पार से जब दो पक्ष आपस में एक दूसरे के सामने होने का प्रयास किए, तब एक घटनाक्रम में 307 भारतीय दंड विधान के तहत कायमी की गई है, जिसमें 4 नामजद आरोपियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। जब शाम को 4:45 बजे करीब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई कि भीड़ अनियंत्रित हो सकती है, तब पुलिस के द्वारा समुचित वैधानिक तरीकों से भीड़ को तितर बितर किया गया। उस दौरान भीड़ में से किन्हीं असामाजिक तत्वों ने भागते हुए गांव के सबके किनारे पर स्थित एक मकान के बाहर पड़ी मोटरसाइकिल में आग लगा दी, जिस पर से मोटरसाइकिल जली और मोटरसाइकिल की आग से कुछ अन्य सामान भी जल गया, और किसी उन्हीं में से किसी एक असामाजिक तत्व ने एक व्यक्ति के पैर में गोली मार दी तथा 4 अन्य लाठी डंडों की चोट से सामान्य चोटें आई हैं। पुलिस ने उस घटनाक्रम में भी धारा 3435/36, 307 भारतीय दंड विधान के तहत प्रकरण कायम किया है और आरोपियों की पहचान स्थापित की जा रही है। सभी घायल पूरी तरह से खतरे से बाहर हैं, अच्छी स्थिति में हैं, जल्दी ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होंगे। पुलिस ने अभी तक 27 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गांव में पर्याप्त बल लगा है और स्थिति पूरी तरह से नियंत्रित। सर, थाना प्रभारी किया गया है इसके अंदर? कल के घटनाक्रम में थाना प्रभारी गौतमपुरा श्री आर सी भास्करे को निलंबित किया गया है। थाना प्रभारी गौतमपुरा के द्वारा ग्राम चांदनखेड़ी से ये रैली निकलनी थी, इस बारे में नहीं बताया, और यदि वो बताते तो और बेहतर बल और अधिकारियों की व्यवस्था वहाँ पर सुनिश्चित की जाती। चांदनखेड़ी गांव की जो स्थिति है उसको देखते हुए थाना प्रभारी के द्वारा समुचित गंभीरता नहीं बरती गई। साथ ही SDOP सामेर जो वहाँ मौके पर थे, तत्समय भीड़ को नियंत्रित करने में असफल रहे, उनको भी वहाँ से हटाया गया है। हालांकि मैं ये अवश्य कहूँगा कि इस एक गलती को कि चांदनखेड़ी गांव से ये रैली निकल रही है, अगर ये बताते पहले तो हम बेहतर व्यवस्था करते, वरना इस एक गलती को छोड़कर जो बल हमारा वहाँ पे था
एसटीओपी सामेर के नेतृत्व में उसने बहुत दृढ़ता से अपनी ड्यूटी का अंजाम दिया। यदि वो सामने नहीं होते, बीच में नहीं होते, शायद दोनों पक्षों में कहीं और बड़ा हादसा होता। हमारे साथी अधिकारियों ने, और मैं इन सबकी प्रशंसा करूंगा जो बाद में मेरे साथ वहां पर पहुंचे, चूँकि घटना की प्रतिक्रिया रैली कई गाँव से निकलनी थी तो आसपास के गाँवों से भी बहुत बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए थे, उस गाँव में भी बहुत बड़ी संख्या में दूसरे पक्ष के लोग भी हैं, तो उस स्थिति को पुलिस ने जो बल वहाँ पर था उसने बहुत जिम्मेदारी से और बड़े ही धैर्य के साथ में उस स्थिति का सामना करते हुए उसको कंट्रोल किया, अन्यथा स्थितियाँ कहीं गंभीर हो। सर, विवाद का तात्कालिक कारण क्या आया सामने में? जैसा कि बताते हैं, जैसे मैंने बताया कि जो तात्कालिक उत्तेजना, एक तरफ से आपने नारे लगाए, दूसरी तरफ से आपने नारे लगाए, और उसी में लोग अपना संयम और धैर्य खो बैठते हैं। मैं सभी से ये अनुरोध करूँगा, ये तो इस घटना से परे करूँगा। हम छोटी छोटी बात देखते हैं कि छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है दो लोगों का, आपस में चार लोग पत्थर फेंकने लगते हैं। एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो जनता आके बस में तोड़फोड़ करने लगती है, उसको इससे मतलब नहीं है कि किसने एक्सीडेंट किया, कैसे एक्सीडेंट हुआ। लोग छोटी छोटी बात में अपना संयम खो रहे हैं, और समाज को इस बात की, सबको ये चिंतन करने की आवश्यकता है कि हम अपने संयम को, अपने धैर्य को कैसे बनाएं, क्योंकि आज जो सबसे बड़ी समस्या पुलिस के सामने हो रही है वो सामान्य लोगों के इस तरह भीड़ तंत्र में संयम खोने के कारण ज़्यादा हो रहा है। सर, जो यात्रा निकल रही है उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा? अभी तक कई जगह यात्राएं निकल चुकी हैं, कई जगह यात्राएं निकल रही हैं, पूरी तरह से शांतिपूर्ण रही हैं। जहाँ तक प्रतिबंध का प्रश्न है, अभी ऐसा कुछ विचार नहीं है, निर्णय जिला दंडाधिकारी महोदय को लेना, अभी तक ऐसा कोई विचार। वहीं पथराव की घटना के बाद हिंदू संगठन के कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए। वह उन्होंने गांव के समीप धरना देकर पथराव करने वालों के मकान तोड़ने, रासुका लगाने की कार्यवाही की मांग की। देर शाम 6 बजे तक धरना चलता रहा। इस दौरान शाम 5 बजे करीब गांव के खेत से पथराव होने पर हिंदू संगठन व वर्ग विशेष युवक आमने सामने हुए, जिसके चलते पुलिस ने दोनों तरफ की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े। घटना के बाद मौके पर कलेक्टर मनीष सिंह, डीआईजी हरिनारायण चारे मिश्र, एसपी महेश चंद्र जैन, एएसपी अमित तोलानी, एसडीएम प्रतुल सिन्हा सहित 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहे। वहीं वज्र वाहन भी तैनात किए गए। वहीं अपने काम में लापरवाही बरतने पर गौतमपुरा टीआईआरसी भास्करे को निलंबित किया गया, साथ ही सावेर एसडीओपी पंकज दीक्षित को भी हटाया गया, और इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देश पर गौतमपुरा और सावेर में धारा 144 लगाकर वहां पर्याप्त पुलिस का बल तैनात किया गया ताकि आगे कोई भी अप्रिय घटना न हो सके।